हेलो एवरीवन, क्लास 12 सीबीएसई विषय हिंदी पाठ संख्या 1 वितान चैप्टर का डियर स्टूडेंट 8 पार्ट इसके मैंने करा दिए आपको, ठीक है। क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है तो डेली थोड़ा थोड़ा आपको समझाया जा रहा है। तो इसमें देखिए किस तरीके से यशोधर बाबू को अपने ही घर में अपने ही घर वालों के आगे उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई उनका सम्मान नहीं करता था। देखिए बेटा, सिल्वर वेडिंग, शादी की 25वीं सालगिरह है और घर में इतनी बड़ी पार्टी का आयोजन हो गया, इतने गेस्ट आ गए, कोई आ रहा है जा रहा है। यशोधर बाबू अपने ऑफिस से उसी समय पर जैसे ही घर आ रहे हैं और वो क्या देखते हैं कि उनके घर के आगे भीड़ लगी हुई है और उनकी पत्नी, उनके बेटा बेटी कुछ मेहमानों को सी ऑफ करने के लिए गेट तक आए हैं, कुछ गेस्ट अंदर आ रहे हैं। तो यशोधर बाबू को ये कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, ठीक है बेटा। और यशोधर बाबू ये चाहते थे कि घर में उनके बच्चे जो भी कार्य करें उनकी अनुमति से करें, उनकी परमिशन से करें, उनकी आज्ञा से करें। लेकिन बच्चे उनकी कोई परमिशन, किसी कार्य में कोई राय नहीं लेते थे, वो जो करते थे अपनी मर्जी से करते थे। यशोधर बाबू चाहते थे कि बच्चे मेरी पूरी रिस्पेक्ट करें, लेकिन जो यशोधर बाबू थे बेटा वो पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे, ठीक है, और जो बच्चे थे वो आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे। तो विचारों का आपस में तालमेल ना बैठने की वजह से यशोधर बाबू अपने ही घर में यशोधर बाबू का अपमान होता रहता था। और जो उनकी पत्नी थी उन्होंने अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तित कर दिया, समय के अनुसार उन्होंने बदल लिया, तो बच्चे भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनकी इज्जत करते थे, ठीक है बेटा। अब ये यहाँ से देखिए पेज नंबर 16। भूषण ने अपने मित्र सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराया। भूषण कौन है? यशोधर बाबू का बेटा। परिचय कराना शुरू किया। उनके मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया था उनकी और वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर चंद यह जताने की कोशिश की, भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी हैं तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित हैं। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी। हमें आना सब कुछ चाहिए, चाहे हम उस कार्य को सीख पाएँ या ना सीख पाएँ, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया, यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। अब यशोधर बाबू को ये सब चीज़ें समाओ इम्प्रॉपर लगती थी, लेकिन बच्चों के कहने पर देखिए काटें। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई कि बच्चों वाला काम, उन्हें लगभग खींच कर ले गए। यशोधर बाबू ने कहा, Somehow आई डोंट लाइक ऑल दिस, कि मैं ये सब चीज़ों को पसंद नहीं करती। लेकिन anyway, उन्होंने केक काट ही दिया। किस बात का केक था? यशोधर बाबू की शादी की 25वीं सालगिरह। उनकी गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतोष छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि एक दूसरे का मुंह मीठा करें। एक दूसरे का पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लो। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू ने उसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो
तो पापा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। यशोधर बाबू ने कहा कि मैंने अभी तक पूजा नहीं की। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ प्लीज़ गो, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उसकी पत्नी उसके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम को 15 मिनट की पूजा को लगभग यशोधर बाबू ने 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पदासन शांत कर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। प्रकाश का नीला बिंदु कहा जाता है कि बिल्कुल सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ध्यान को ईश्वर में लगाना, तथा जिससे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो। तो यशोधर बाबू चाह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान लगाऊं जिससे मुझे उस नीले बिंदु के दर्शन हो, मगर उन्हें उसके दर्शन ना होकर अपना मित्र किशनदा दिखाई दे रहा था। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाव सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ हाँ, शुरू में तो आखिर में सब अकेले ही होते हैं, ठीक है, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पांवों में देशी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े वे चाय कैसी। चाय थुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे, अपने डाउट्स क्लियर करते थे जब वो प्रवचन करते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। आज भी यशोधर बाबू को ये लगता है कि किशनदा ने पूरे जीवन मेरा मार्गदर्शन किया और आज भी वो ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मुझे ये बताएंगे कि मुझे और मेरा मार्गदर्शन इस तरह करेंगे, मुझे समझाएंगे कि उसके कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए जो मेरे बीवी बच्चे कर रहे हैं। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का छट राग लापने पर आमादा से मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, सब माया ठहरी। और जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी इसी दिन इतना ही अकेला और ऐसा ही अनुभव करेगा जितना कि आज तुम कर रहे हो। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठते हैं और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए। पत्नी ने बताया कुछ गए कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन से हैं। आश्वस्त होने पर भी सभी रिश्तेदार ही हैं उसी लाल गमछे में। बैठक में यशोधर बाबू चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली। विरासत जो चीज़ हमें हमारे पुरखों या हमारे पूर्वजों से मिलती है, उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं।
एवरीबडी गन पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। उसकी बेटी चिल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब यह थोड़ी कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा यू आर द लिमिट। बेटी हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे हुए पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहे हैं? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए। हर इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसी हरे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं, बम्बा फटा फुलोवर पहन के जाते हैं, बहुत ही बुरा लगता है, आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई, इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नुच करने के बाद यशोधर जी ने उस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सेश कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, उन्होंने कहा, और उनकी आंखों की ओर में जरा सी नमी चमक आई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें, वह यह क्यों नहीं कह रहा कि दूध मैं ले आया करूँगा, आप इसे गाउन पहनकर। उसके अंगों में वह किशनदार उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। देखिए, उसे इस बात का दुख हो रहा है कि बेटा ये नहीं कह रहा कि आप बड़ी ठंड में दूध लेने जाते हो इसलिए गाउन में आपके लिए लें, बल्कि ये बोले कि अभी तो उसका कोई काम नहीं है, कि जो भी कार्य है वो मैं कर दिया करूँगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ आया कि किस तरीके से यशोधर बाबू से उसके घर वाले उसका रिस्पेक्ट नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, और यशोधर बाबू के बच्चे भी किस तरीके से अपनी मनमानी करते हैं। ठीक है बेटा, ये चैप्टर समझ आ गया? इस पूरे चैप्टर की आज आप रीडिंग लगा लेना। ओके, कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू बेटा।